शुक्रवार को पाक रमजान माह में पढ़ने वाले चौथे जुम्मे की नमाज मस्जिदों में नमाजियों ने अदा किया। एक महीने तक चलने वाले रमजान माह चांद के दीदार से शुरू होकर चांद के दीदार पर ही खत्म होता है और दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। जुम्मे का दिन बड़ा ही पाक माना जाता है। रमजान माह में मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और अल्लाह से इबादत करते हैं। नमाज अदा करने से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं। वजह कहते हैं इस दौरान लोग टोपियां भी खरीदते हैं। रमजान शुरू होते ही मुस्लिम समुदाय के लोग पाक साफ होकर रोजा अफ्तार करते हैं। उसके बाद पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। शाम के वक्त रोजा खोलने के बाद तरावी पढ़ी जाती है, जिसमें रोजा रखने वाले लोग अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। जुम्मे का दिन मुस्लिम समाज के लिए सप्ताह का सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इस दिन का खास महत्व होता है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नमाज अदा करके वापस आते नमाजी ने कहा, الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن غسق ربك مقاما محمودا मुश्किल हल कर शहे मुश्किल खुशा के वास्ते ये बरकत का महीना है रमजानुल मुबारक। हफ्ते का जो जुमा का दिन होता है ये ईद का महत्व आता है। ये छोटा ईद इसको माना जाता है हर जुमे को, और ये तो और अफजल महीना है, ईद का महीना है। आखिरी जुमा इसके बाद अलविदा पड़ेगा। इस जुमे के बाद अखरा आखिरी जो है वो अलविदे की नमाज पढ़ा जाएगा। उस जुमा को आखिरी रमजानुल मुबारक खत्म, अल्लाह ताला के हुक्म से जुमा को मुकर्रर किया गया है कि ये जुमा सबसे बड़ा जुमा होता है। ईद के बाद हफ्ते का ये जुमा जो होता है ईद का जुमा कहा जाता है।